30 अगस्त से 5 सितंबर तक के साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। ये राशिफल आपके लिए चंद्र राशि पर आधारित होता है। अगर सबसे पहले बात की जाए 23 तारीख की, तो चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी वृषभ राशि में बनेगी, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के रहेंगे आपके 9th हाउस में। अब यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो राहु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। इस युति की वजह से आपकी दूर की यात्रा होने के या फॉरेन टूर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई भी अन्य ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, यानी आपकी की गई जो प्लानिंग है वो फाइनल हो सकती है। साथ साथ में अगर कोई दूर की यात्रा करते हैं उससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और आप जो फॉरेन की संस्कृति है, जो फॉरेन का कल्चर है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये समय में आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। इसके अलावा आपको पिता से सहयोग मिलेगा और घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो आपके कोई गुरुजन हैं उनसे अच्छी मदद मिल जाएगी। तो चंद्रमा का 9th हाउस में आना आपको भाग्य अच्छा सपोर्ट करेगा। इस वजह से आपके कोई भी रुके हुए कार्य हैं उनमें अगर कोई देरी हो रही है तो अब आपके जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे। साथ साथ में ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि आपको कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, स्टडी के लिए आपको फॉरेन जाना हो तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अब चंद्रमा का यहाँ से जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके 3rd हाउस पर पड़ेगा, तो 3rd हाउस पर इनकी दृष्टि होने से आपके लिए ये समय अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। साथ में इस समय आप कोई भी रिस्क भरे कार्य में नहीं जाना चाहेंगे, कोई भी रिस्की कार्य में आप ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे। इस समय आपके छोटे भाई बहनों या फिर पड़ोसियों या फिर जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो चंद्रमा का तृतीय भाव को देखने से आपको काफ़ी एक्टिव रखने वाले और आप इस समय यात्राओं में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले। इसके अलावा आपका ये जो समय रहेगा कुछ शॉर्ट ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने से आपको शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, तो अपनी सेहत का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। अगर देखा जाए तो जो लोग इंटरनेट के माध्यम से कहीं काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। साथ में जो ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको इस गोचर का काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी ये समय काफ़ी अच्छा साथ देगा। इस समय आपको अपनी एजुकेशन को लेकर कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। आप जिस भी टारगेट को लेकर जा रहे हैं वो आपका टारगेट आपको अचीव होगा। तो चंद्रमा की ये जो स्थिति बन रही है 9th हाउस में, ये आपके लिए शुरुआती दिन में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद 31, 1 और 2 तारीख की जो स्थिति रहेगी चंद्रमा की, चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो मिथुन राशि में इनकी स्थिति आपके दशम भाव में बनेगी। दशम भाव में चंद्रमा के आने से इस समय आपको जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपको अपने करियर के बारे में, आपको अपने प्रोफेशनल जो भी आपका कार्य है उसके लिए विचार ज़्यादा आएंगे मन में, और थोड़ी बहुत चिंता भी रह सकती है मन में, क्योंकि चंद्रमा है तो चंद्रमा मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा इमोशनल बना देता है और वो थोड़ी चिंता भी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपकी जॉब पहले से छूट गई थी, अभी जॉब का आप ट्राई कर रहे हैं तो एक अच्छी जॉब मिल सकती है। साथ साथ में आपके अगर अपने बॉस से संबंध खराब चल रहे हैं, आपको अपने साथ वालों का सहयोग नहीं मिल रहा, बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। इस समय में आपको प्रमोशन हो सकता है और अच्छा प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे। साथ साथ में अगर आप जॉब चेंज का देख रहे हैं तो आपका जॉब अच्छे से इस समय चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से आप अपने जॉब को देखना चाहते हैं, जिस पद पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से आपका चेंजेस जो है आना है वो आएगा। तो ये समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लानिंग आप करने वाले हैं अपने करियर को लेके, अपने किसी भी अन्य काम को लेके करने वाले हैं। साथ में अगर आपको कोई सरकारी सहायता चाहिए, किसी अन्य प्रकार का आपको सहयोग चाहिए, वो भी इस समय मिलेगा। जो लोग एकदम फ्रेश जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा नया जॉब मिलने का। तो चंद्रमा की जो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी वो 4th हाउस पर भी पड़ेगी। तो 4th हाउस पर पड़ने से घर का जो माहौल रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा, घर में खुशियाँ रहेंगी, आपके मन में शांति रहेगी और घर वालों का जो सहयोग है वो आपको मिलेगा। इस दौरान आपका अपने घर से लगाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। घर से संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य या कोई अन्य घर से जुड़ा हुआ कार्य हो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा रुचि लेने वाले हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं फिलहाल, आप अपने काम को भी इंजॉय करेंगे और घर के माहौल को भी इंजॉय करेंगे।
आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद था, वो विवाद आपका दूर होगा और परिवार वालों के बीच में आपस में जो भी संबंध है काफ़ी अच्छे होंगे। इस दौरान परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का अच्छा सहयोग करेगा, तो ये जो समय है आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और इसके बाद की जो चंद्रमा की स्थिति बनेगी ये अपने ही राशि में चले जाएंगे कर्क राशि में। तो कर्क राशि में इनका जो गोचर रहने वाला है वो रहने वाला है 3 और 4 तारीख को। तो 3 और 4 तारीख को आपके लिए धन संबंधी जो संभावनाएं बनेंगी उनमें आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर देखा जाए तो चंद्रमा की ये जो कर्क राशि की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, इसकी वजह से आपको बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होना और आपके लाभ से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। आपको कहीं से भी पैसा मिल सकता है, आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है वो मिल सकता है, साथ में आपको बड़ी मात्रा में धन मिल सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप मार्केटिंग जैसा कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने सोशल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं या अपने जानने पहचानने वाले लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी फायदा हो सकता है। ये समय में धन का लाभ होने के साथ साथ संतान की प्राप्ति होगी क्योंकि चंद्रमा यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। चंद्रमा का पंचम भाव को देखना आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा, आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उनमें आपके मन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो मन का प्रभाव है आपके निर्णयों पर वो ज़्यादा रहेगा और आपका जो माइंड रहेगा क्रिएटिव रहेगा। अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चंद्रमा का ये जो गोचर रहेगा आपके लिए सबसे फेवरेबल रहने वाला है, साथ साथ में अपनी संतान से आपका लगाव बढ़ेगा और संतान के प्रति अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें संतान से संबंधित, चाहे आप उनकी एजुकेशन का डिसीजन हो चाहे उनका कोई अन्य डिसीजन हो, तो वो आप अच्छे से ले पाएंगे। साथ में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, आप अपनी एजुकेशन और ओवरऑल जो आपकी लर्निंग्स हैं उनके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो ये समय काफ़ी बेटर रहने वाला है। इसके बाद अंतिम दिन यानी 5 तारीख को, 5 सितंबर को चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी, सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे। सिंह राशि में ये आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। 12वें भाव में चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपको फॉरेन से कोई फायदे हो सकते हैं, विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं तो फायदे जरूर होंगे। साथ में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्थिति उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, इस समय लिए गए आपके द्वारा कोई भी निर्णय सही साबित नहीं होंगे, तो जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके लिए आप थोड़ा समय का इंतज़ार करें, कुछ समय बाद आप सही निर्णय ले पाएंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके 6th हाउस को देखेंगे तो कार्यस्थल की जो परिस्थितियाँ हैं स्थितियाँ हैं वो आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। इस दौरान आपको जॉब से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, अपने कार्यस्थल से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं या फिर किसी विवाद में फंस रहे हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आप किसी के साथ भी धन का लेन देन ना करें। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा, साथ साथ में अगर आप कहीं से उधार भी लेते हैं तो आप समय पर नहीं चुका पाएंगे। तो चंद्रमा की जो ये स्थिति बन रही है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान करने वाली है, साथ साथ में ये समय आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस समय कुछ डरावने सपने आना, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना और रात्रि का जो रूटीन है वो आपका काफ़ी ख़राब रहने वाला है। तो इस समय को आपको ध्यान से गुजारना चाहिए और इस समय कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस वीक में जो शुभ अंक आपके लिए बन रहा है वो बन रहा है 2 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला रंग। फिलहाल वीडियो में